बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बगदाद के सुल्तान, एक बार किसी ने हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को 150 शरफियाँ बतौर नजराना दी। हज़रत ने दरियाफ्त किया कि इन शरफियों के अलावा तुम्हारे पास और भी दौलत है। जवाब नफ़ी में मिला। तब हज़रत ने पूछा, मुस्तकबिल में क्या तुम्हें मज़ीद शरफियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इस शख्स ने हाँ में सर हिला दिया। फिर तुम ये अशरफियाँ अपने पास ही रखो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। मेरे पास एक भी अशरफी नहीं, लेकिन मैं इनकी चाहत नहीं रखता, क्योंकि इनकी ज़रूरत से मैं पाक हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। दौलत से बेमिसाल बेनियाजी दिखाने वाले हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 218 हिजरी 828 ईस्वी में बगदाद में पैदा हुए। आपका असल नाम अबू कासिम मोहम्मद था। ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। आप मशहूर सूफ़ी हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे और मुरीद थे। हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ने शरीयत व तसव्वुफ़ की तलीम अपने मामू के अलावा मशहूर फ़लसफ़ी सूफ़ी हारिस महासबी से पाई। शुरू में आयने फ़रोख्त करने का पेशा अपनाया, लेकिन फिर ज़िक्र इलाही और इबादत करने में मशहूल हो गए। आपने दुनियावी लज्जतों में गुम लोगों को रास्ता दिखाया और इन्हें नेकी की राह पर चलाया। अपनी बातों और पुरकशिश शख्सियत के बाद हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कई सूफियों को मुतासिर किया। यही वजह है कि आप कई सूफियाना सिलसिलों में कलीदी हैसियत रखते हैं, इसलिए आपको सुल्तानुल तरीकत कहा जाता है। आपने 27 रजब 997 हिजरी 10 अप्रैल 910 ईस्वी को वफात पाई। मज़ार बगदाद के इलाके शाह नवाजिया में है। एक बार हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हज करने मक्का मुकर्रमा गए। वहाँ एक महफिल में ये बहस छिड़ गई कि कौन इंसान अल्लाह ताला का महबूब हो सकता है। महफिल में शरीक सूफिया ने अपनी अपनी राय दी। ताहम हज़रत के कलिमात ने सभी को मुतासिर किया। वो आंखों में पानी लिए कहने लगे, खुदा ताला का महबूब वो है जो अपने आप को भुला डाले और हर काम सिर्फ इसी की खुशनुदी के लिए करे और अपने कल्ब की आंखों से रब को देखे, जो अल्लाह के खौफ से जलता रहे। अल्लाह की खुशनुदी पाने की तमन्ना पर शराब जैसे असर करे। वो जब भी कलाम करे यही लगे अल्लाह ही के अल्फाज कह रहा है। अगर वो हरकत करे तो सिर्फ खुदा के हुक्म से। सुकून व चैन पाए तो महज अल्लाह की अतात करने से। और जब ऐसा मुकाम आ जाए तो वो उठना बैठना सोना जागना गर्ज हर काम सिर्फ खुशनुदी रब के लिए करता है। इसे दुनियावी अमोर की परवाह नहीं होती और ना ही वो लोगों की तनकीद पर ध्यान देता है। हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह के कुछ मशहूर अकवाल, नफ्स के वसवसे शयातीन के वसवसों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि आखिर ज़िक्र वसवसा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने से दूर हो जाते हैं, लेकिन नफ्स के वसवसे दूर करने में बड़ी मेहनत और मशक्क़त लगती है। इस इंसान को दोस्त बनाओ जो नेकी करके भूल जाए। जब कुर्बानी दी जाए तभी मोहब्बत कामिल होती है। मुझे बद अखलाक आलिम की निस्बत अच्छे अखलाक वाले जाहिल से दोस्ती करना पसंद है। अगर तुम्हें कोई शख्स हवा में उड़ता दिखाई दे तो इसके करिश्मे पे इस वक्त तक एतबार ना करो जब तक ये ना देख लो कि वो कुरान और सुन्नत पर सदके दिल से अमल पैरा है। जवान मर्द वो है जो किसी पर बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का भी खुद उठाए। तन्हाई का हकीकी फ़ायदा इस वक्त मिलता है जब इंसान अपने नफ्स से भी दूर हो जाए।